हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वैकुंठ पूर मलू मूवी के बारे में। अल्लाह वैकुंठ पूर मलू, जिसे प्रसिद्ध वर्ल्ड AVPL के नाम से भी जाना जाता है, एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथुकारानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद, इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर NTR की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम ने श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास, अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन PS विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः PS विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत, मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ARK राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और RK की बेटी यशोदा यासू से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है, तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है, तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण उसे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्या उर्फ अम्मू करती है।
जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने एचआर शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और एमबीए की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी प्रीति ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उसकी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे के देखता है जहां अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और प्रीति थल्ली को न कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज एचआर के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसे मुलाकात सुलोचना से होती है जो अपने कोमा से बाहर आती है और मंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित मंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। एचआर के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। मंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है जो नाजुक था, क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में आंसू मंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि मंटू को घर से बाहर निकाल देता है जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि मंटू से नंदू से बचने की विनती करता है तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, प्रीति थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। मंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं जहाँ एचआर के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और मंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। मंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान आंसू कहता है कि मंटू राज के बराबर है क्योंकि उसे नंदू और परिवार को बचाया है, जिससे मंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। आंसू वाल्मीकि से कहता है कि राज को मंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का सीईओ बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण दें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और मंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था ताकि वह वाल्मीकि के घर मंटू रामचंद्र के घर पहुँच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर मंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन जो कि देवराज या मंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, मंटू की प्रेमिका तब्बू यशोदा, यासू
बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेतुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमुथी कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैक योस बैक्स और एचआर बंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में नवदीप, सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में सुनील, एचआर बंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में सचिन खेड़ेकर, नंदिनी के पिता और आशु के चचेरे भाई के रूप में हर्षवर्धन, डीआईजी प्रजापति के रूप में राजेंद्र प्रसाद, अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में आदर्श बालकृष्ण, गोविंद पद सूर्या के रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर वेनेला किशोर, अमूल्य के पिता संयोजित तानी केला भरानी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंतु गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्ण और हरिका और हसीन क्रिएशन के साथ अपने स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलू 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आए कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उससे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राघवा की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेतुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समुथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसी पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म पे प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग
24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेतुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉर्मंडी और मोंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई ने टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा गुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। लुक जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री, कसार केला स्वामी, कृष्ण चैतन्य, राम जयोगा शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित AVPR म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया। बुट्टा गुम्मा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा गुम्मा और रामालू रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत आने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी, नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो फॉलो, हुसारू से उंडी पोरादो, रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा, गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुड्डू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलुक को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लू वैकुंठपुरथू का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को
अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था, जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमी और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वैकुंठपुर मलू मूवी के बारे में। अल्लाह वैकुंठपुर मलू, जिसे प्रसभिकवाद AVPL के नाम से भी जाना जाता है, एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथु कारानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद, इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर NTR की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम ने श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास, अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित। इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन PS विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः PS विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत, मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ARK राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है, तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है, तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे
धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण उसे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फ़ीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्य उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी पेथी ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे को देखता है, जहाँ अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पेथी ठल्ली को न कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज HR के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहाँ उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। HR के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। बंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था, क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने यहाँ घर पर आयोजित एक पार्टी में आंसू बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि बंटू से नंदू से बचने की विनती करता है, तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, पेथी थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ HR के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और बंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान आंसू कहता है कि बंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसे नंदू और परिवार को बचाया है। इससे बंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। आंसू वाल्मीकि से कहता है कि राज को बंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का CEO बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण दें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और बंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था।
ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था ताकि वह वाल्मीकि के घर बंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता, जिसे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर बंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन जो कि देवराज या बंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, बंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेथुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमुथी कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैग योस बैग्स और एचआर बंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में, नवदीप सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में, सुनील एचआर बंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में, सचिन खेड़ेकर नंदिनी के पिता और यासु के चचेरे भाई के रूप में, हर्षवर्धन डीआईजी प्रजापति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में, आदर्श बालकृष्ण गोविंद पद सूर्या के, रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर, वेनेला किशोर अमूल्य के पिता, संयोजक तानी केला भराणी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंदू गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्णन और हरिका और हसीन किशन के साथ अपना स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलु 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उसे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राघवा की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता
समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसी पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म को लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेतुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉर्मंडी और माउंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई ने टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा बुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। लुक जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री, कसार केला स्वामी, कृष्ण चैतन्य, राम जयोगा शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित AVPR म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंडट्रैक बन गया। बुट्टा बुम्मा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा बुम्मा और रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए, जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत आने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी, नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो हुसारू से उंडी पोरादो, रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा, गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुडू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वैकुंठ पुर मलु को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन भी एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने
13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लाह वैकुंठ पोरुथु का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था, जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वैकुंठ पूर मलू मूवी के बारे में। अल्लाह वैकुंठ पूर मलू, जिसे प्रसभिकवाद AVPL के नाम से भी जाना जाता है, एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथुकारानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद, इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर NTR की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास, अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित। इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन PS विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः PS विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ARK राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था।
रामचंद्र और आरके की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्य उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी प्रीति ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे के देखता है, जहां अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और प्रीति थल्ली को न कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज HR के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहाँ उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। HR के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। बंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था, क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में आंसू, बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि बंटू से नंदू से बचने की विनती करता है तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, प्रीति थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंचते हैं, जहां HR के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और बंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले
वही बातचीत सुन ली थी। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान आंसू कहता है कि बंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है। इससे बंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। आंसू वाल्मीकि से कहता है कि राज को बंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का सीईओ बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण मिले। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और बंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर बंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर बंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन जो कि देवराज या बंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, बंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासू बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र, राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेतुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमुथी कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैक जोश बैक्स और एचआर बंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में नवदीप, सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में सुनील, एचआर बंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में सचिन खेड़ेकर, नंदिनी के पिता और आंसू के चचेरे भाई के रूप में हर्षवर्धन, डीआईजी प्रजापति के रूप में राजेंद्र प्रसाद, अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में आदर्श बालकृष्ण, गोविंद पद सूर्या के रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर वेनेला किशोर, अमूल्य के पिता संयोजक तानी केला भरानी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंतु गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्ण और हरिका और हसीन किएसन के साथ अपना स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलू 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आए कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और अडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उससे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राघवा की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी।
अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसी पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेथुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉर्मंडी और मॉन्ट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई। टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा गुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। अल्लू जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें सिरिनवेला सीता, राम शास्त्री, कसार केला स्वामी, कृष्ण चैतन्य, राम जयोगा शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित AVPR म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया। बुट्टा गुम्मा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा गुम्मा और रामालू रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए, जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत याने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी, नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो फॉलो, हुसारू से उंडी पोरादो, रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा, गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुड्डू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार
फिल्म की झलक का अनावरण किया है। शीर्षक अल्लाह वैकुंठ पुरमलू को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लाह वैकुंठ पोरुथु का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमी और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वैकुंठ पुरमलू मूवी के बारे में। अल्लाह वैकुंठ पुरमलू जिसे प्रसिद्ध वर्ल्ड AVPL के नाम से भी जाना जाता है एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथु कारानी, नवदीप सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर NTR की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम ने श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन PS विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः PS विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की।
यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थम्मन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ARK राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्य उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी प्रीति ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे को देखता है, जहाँ अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और प्रीति ठल्ली को ना कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज HR के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है। भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो, अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहाँ उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद बंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। HR के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। बंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था, क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने यह घर पर आयोजित एक पार्टी में आंसू बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है।
और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पैदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि मंटू से नंदू से बचने की विनती करता है तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, पैदी थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ एचआरके वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और बंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान यासू कहता है कि बंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है। इससे बंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। यासू वाल्मीकि से कहता है कि राज को बंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का सीईओ बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण दें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और बंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर बंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर बंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन जो कि देवराज या बंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, बंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासू बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेतुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमुथी कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैग योस बैग्स और एचआर बंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में, नवदीप सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में, सुनील एचआर बंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में, सचिन खेड़ेकर नंदिनी के पिता और यासू के चचेरे भाई के रूप में, हर्षवर्धन डीआईजी प्रजापति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में, आदर्श बालकृष्ण गोविंद पद सूर्या के, रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर, वेनेला किशोर अमूल्य के पिता, संयोजक तानी केला भराणी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंदु गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एसओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्णन और हरिका और हसीन किशन के साथ अपना स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलु 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और अडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों ने
दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उसे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राहुआ की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसे पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म को लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेथुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉर्मंडी और माउंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई ने टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा बुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। लुक जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री, कसार केला स्वामी, कृष्ण चैतन्य, राम जयोगा शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित AVPR म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंडट्रैक बन गया। बुट्टा बुम्मा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10
भारतीय संगीत वीडियो में पुट्टगुम्मा और रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत आने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो फॉलो हुसारू से उंडी पोरादो रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुडू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वैकुंठ पूर मलु को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन भी एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लाह वैकुंठ पोरुथु का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वैकुंठ पूर मलु मूवी के बारे में। अल्लाह वैकुंठ पूर मलु जिसे प्रसभिकवाद AVPL के नाम से भी जाना जाता है एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथुकारानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर NTR की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन PS विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ।
इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पीएस विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत, मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ARK राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्या उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी प्रीति ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे के देखता है, जहाँ अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और प्रीति थल्ली को न कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज HR के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहाँ उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। HR के उससे तुरंत प्यार हो जाता है।
बंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने घर का घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि बंटू से नंदू से बचने की विनती करता है तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, पेदी थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ एचआरके वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और बंटू के बीच उसके मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान यासु कहता है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है, जिससे बंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। यासु वाल्मीकि से कहता है कि राज को बंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का CEO बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण दें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और बंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर बंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर बंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन जो कि देवराज या बंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, बंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासु बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र, राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेतुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमुथी कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैक योस बैक्स और एचआर बंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में नवदीप, सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में सुनील, एचआर बंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में सचिन खेड़ेकर, नंदिनी के पिता और आंसू के चचेरे भाई के रूप में हर्षवर्धन, डीआईजी प्रजापति के रूप में राजेंद्र प्रसाद, अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में आदर्श बालकृष्ण, गोविंद पद सूर्या के रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर वेनेला किशोर, अमूल्य के पिता संयोजक तानी केला भरानी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंतु गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और SO सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्णन और हरिका और हसीन क्रिएशन के साथ अपना स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण
करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठ पुर मलू 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उससे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राहुआ की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसी पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेथुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉर्मंडी और माउंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई ने टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा बुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। अल्लू जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री, कसार केला स्वामी, कृष्ण चैतन्य, राम जयोगा शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं।
जिसके साथ चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित AVPR म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह YouTube पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया। बुटा बुमा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ YouTube पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। YouTube के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुटा बुमा और रामालू रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत याने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो फॉलो हुसारू से उंडी पोरादो रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुडू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वेकंठ पूर मलुक को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लाह वेकंठ पोरथु का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमी और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेकंठ पूर मलू मूवी के बारे में। अल्लाह वेकंठ पूर मलू जिसे प्रसिद्ध वर्ल्ड AVPL के नाम से भी जाना जाता है एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू जयराम सुशांत निवेथा पुथुराज मुरली शर्मा सुमुथु कारानी नवदीप सुनील सचिन खेड़कर गोविंद पग्गीसूर्या हर्षवर्धन रोहिणी वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर NTR की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन पूजा हेगड़े पुनीत जयराम सुशांत निवेथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमति करानी नवदीप सुनील सचिन खेड़ेकर हैं।
इस मूवी का छायांकन पीएस विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन है। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पी एस विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत, मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ए आर के राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और आर के की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्य उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी पेथी ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे को देखता है, जहाँ अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पेथी ठल्ली को ना कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज HR के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदनी नंदू से प्यार करता हो।
अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और मंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित मंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। एचआर के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। मंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि मंटू से नंदू से बचने की विनती करता है तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, पेदी थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। मंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ एचआर के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और मंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। मंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान आंसू कहता है कि मंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसे नंदू और परिवार को बचाया है। इससे मंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। यासु वाल्मीकि से कहता है कि राज को मंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का सीईओ बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण दें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और मंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर मंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर मंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन, जो कि देवराज या मंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, मंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासु मंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेतुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमती कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैग योस बैग्स और एचआर मंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में, नवदीप सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में, सुनील एचआर मंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में, सचिन खेड़ेकर नंदिनी के पिता और यासु के चचेरे भाई के रूप में, हर्षवर्धन डीआईजी प्रजापति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में, आदर्श बालकृष्ण गोविंद पद सूर्या के, रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर, वेनेला किशोर अमूल्य के पिता, संयोजक तानी केला भराणी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव
करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंदु गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एसओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अलोर अरविंद एस राधा कृष्णन और हरिका और हसीन किशन के साथ अपना स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलु 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उसे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राहुआ की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसे पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेथुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉरमंडी और माउंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई। टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा बुम्मा गीत की शूटिंग होने
के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अनुपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। एस थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। लुक जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री कसार केला स्वामी कृष्ण चैतन्य राम जयोगा शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित एवीपीआर म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया। बूटा बुमा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बूटा बुमा और रामालू रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत आने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो फॉलो हुसारू से उंडी पोरादो रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुडू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलु को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन भी एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लाह वैकुंठपुरथु का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था, जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह वैकुंठपुर मलु मूवी के बारे में। अल्लाह वैकुंठपुर मलु, जिसे प्रसंगवाद AVPL के नाम से भी जाना जाता है, एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथुकारानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने
क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर एनटीआर की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास, अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित। इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन पीएस विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पीएस विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ए आर के राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और आर के की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद बंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्या उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अपल्ला नायडू की बेटी पेथी ठल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है।
रामचंद्र होटल में इसे सौदे के देखता है, जहां अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पेटी थैली को न कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज एचआर के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अपल्ला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और मंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित मंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। एचआर के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। मंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था, क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि बंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि मंटू से नंदू से बचने की विनती करता है, तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, पेटी थैली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। मंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ एचआर के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और मंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। मंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान आंसू कहता है कि मंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसे नंदू और परिवार को बचाया है। इसे मंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। यासु वाल्मीकि से कहता है कि राज को मंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का सीईओ बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण लें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और मंटू की पुरानी ट्रेवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर मंटू रामचंद्र के घर पहुंच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर मंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन, जो कि देवराज या मंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, मंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासु मंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र, राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेतुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमुथी कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैक योस बैक्स और एचआर मंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में, नवदीप सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में, सुनील एचआर मंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में, सचिन खेड़ेकर नंदिनी के पिता और आंसू के चचेरे भाई के रूप में, हर्षवर्धन डीआईजी प्रजापति के रूप में, राजेंद्र प्रसाद
अपला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में आदर्श बालकृष्ण गोविंद पद सूर्या के रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर वेनेला किशोर अमूल्य के पिता संयोजक तानी केला भराणी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंतु गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एन टी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एस ओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्ण और हरिका और हसीन क्रिएशन के साथ अपने स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलू 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आए कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उससे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राघवा की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसी पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेथुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई,
गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस में फ्रांस के नॉर्मंडी और मोंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई ने टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में ओ एम जी डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा गुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। एस थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। अल्लू जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री कसार केला स्वामी कृष्ण चैतन्य राम जयोगा शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित एवीपीआर म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया। बुट्टा गुम्मा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा गुम्मा और रामालू रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत याने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो फॉलो हुसारू से उंडी पोरादो रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुडू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलुक को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लू वैकुंठपुरथू का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में AVPL म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था, जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमी और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अल्लू वैकुंठपुर मलू मूवी के बारे में। अल्लू वैकुंठपुर मलू जिसे प्रसभिकवाद
AVPL के नाम से भी जाना जाता है, एक 2020 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पुथुराज, मुरली शर्मा, सुमुथु कारानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़कर, गोविंद पग्गीसूर्या, हर्षवर्धन, रोहिणी, वनेला किशोर जैसे कलाकार हैं। अजय और राजेंद्र प्रसाद इसके निर्माण अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन ने क्रमशः अपने बैनर गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशन के तहत किया था। इस फिल्म की कहानी सीनियर एनटीआर की इंतु गुट्टू और मच्ची मनीषी के काफ़ी प्रेरित है। इस फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित त्रिविक्रम श्रीनिवास, अल्लू अरविंद और एस राधाकृष्णन द्वारा उत्पादित। इस फिल्म में अभिनीत अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, पुनीत, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमति करानी, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर हैं। इस मूवी का छायांकन PS विनोद ने किया। नवीन नुल्ली ने इस मूवी का संपादित किया। थमन एस ने संगीत दिया। उत्पादित कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका और हसीन क्रिएशन हैं। गीता आर्ट्स द्वारा वितरित इस मूवी को 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। इस मूवी का कार्यकारी समय 165 मिनट है। यह भारत देश में बना और इसे तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसका बजट 100 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ कमाई की। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ। इसे हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिसे गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म का साउंडट्रैक एस थमन ने तैयार किया था, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः PS विनोद और नवीन नुल्ली ने संभाला था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जो संक्रांति के साथ मेल खाता था। इससे कलाकारों के प्रदर्शन, थमन के संगीत मनोरंजन मूल्य और त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा के साथ अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ की कमाई की। यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। थमन ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। शहजादा नामक एक हिंदी रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। 1995 में वाल्मीकि और रामचंद्र के अनंत की कंपनी ARK राधाकृष्णन में कलर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। रामचंद्र और ARK की बेटी यशोदा यासु से शादी करता है, अमीर बन जाता है, जबकि वाल्मीकि एक मध्यम व्यक्ति वर्ग बना रहता है। अपने दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना वाल्मीकि को ऐसे बारे में बताती है, तो वह अपने बच्चे को मृत बच्चे के साथ बदलने का पेशकश करता है। स्विच के बाद मृत दिखाई देने वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। हालांकि वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा एक अमीर घराने में बड़ा हो। जब सुलोचना फिर से बच्चों को बदलने की कोशिश करती है, तो वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देती है। सुलोचना अस्पताल की इमारतों से गिर जाती है और वाल्मीकि के साथ कोमा में चली जाती है, जो धीरे धीरे लंगड़ापन में बदल जाती है। वाल्मीकि के बेटे का नाम राज है। वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे का नाम बंटू रखते हैं और इसे अपने असली माता पिता के कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। 2020 में वाल्मीकि द्वारा बंटू को MBA की फीस देने से मना करने के बाद मंटू एक ट्रेवल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिसका नेतृत्व अमूल्य उर्फ अम्मू करती है, जो एक स्वनिर्मित व्यवसायी है। कंपनी ने HR शेखर के साथ थोड़ी कहासुनी और गलतफहमी के साथ मंटू को यह भूमिका मिल जाती है। आखिरकार मंटू और अम्मू
के लिए भावनाएं विकसित होती है जब वह अम्मू शेखर उसकी सहयोगी रविंद्र रेड्डी एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद अम्मू भी उसकी भावनाओं का जवाब देती है। इस बीच राज विदेश से लौटता है और MBA की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देता है। रामचंद्र चाहता था कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वह उसे अप्पला नायडू की बेटी पेथी थल्ली के स्वीकार करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है जो उसी कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र होटल में इसे सौदे को देखता है, जहां अम्मू और मंटू की अम्मू की फर्म के पीछे के निवेशक सुदर्शन से मुलाकात होती है, जो अम्मू की ट्रेवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकिचाहट और पेथी थल्ली को न कहने का असमर्थता से निराश करता है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए मंटू अपना अम्मू पर गर्व करते हैं। इसके बाद राज HR के सुझाव पर अम्मू से जुड़ जाता है, भले ही राज पहले से उसे चचेरी बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता हो। अम्मू और मंटू के विवाह को रद्द करने के लिए आने से कुछ मिनट पहले अप्पला नायडू के शेयर बेचने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने का प्रयास करते हैं। नायडू के आदमी द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास और बावजूद मंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसे मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कोमा से बाहर आती है और मंटू के असली माता पिता के बारे में बताती है। उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोधित मंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। इसके बाद मंटू रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके वैकुंठपुरम नामक रामचंद्र के घर में घुसने में असफल रहता है। HR के उससे तुरंत प्यार हो जाता है। मंटू घर में व्याप्त समस्याओं को सुलझाते हुए आंसू के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते को सुधारता है, जो नाजुक था, क्योंकि 7 साल पहले रामचंद्र को रेवती नामक एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। पेट थल्ली के साथ विवाह को सुलझाता है और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों सीताराम और काशीराम को सुधारता है। अपने यहाँ घर पर आयोजित एक पार्टी में यासू बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है। वाल्मीकि मंटू को घर से बाहर निकाल देता है, जबकि राज को के साथ अम्मू की सगाई रद्द कर दी जाती है। नायडू स्थिति का फायदा उठा के नंदू का अपहरण कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब तक कि रामचंद्र पेदी थल्ली को शेयर नहीं दे रहा था, जब वाल्मीकि मंटू से नंदू से बचने की विनती करता है, तब वह मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यह गुंडों की पिटाई करता है, पेथी थल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। मंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुँचते हैं, जहाँ HR के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसे सुलोचना और मंटू के बीच उसकी मृत्यु के ठीक पहले हुई बातचीत सुन ली थी। मंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इसे आंसू को सच्चाई बताने के लिए कहते हैं। इसे डर है कि यह जानकर निराश हो जाए कि राज के अपना असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनजान आंसू कहता है कि मंटू राज के बराबर है, क्योंकि उसे नंदू और परिवार को बचाया है। इससे मंटू को कंपनी का 50% शेयर मिलता है। आंसू वाल्मीकि से कहता है कि राज को मंटू जिसे काबिल बनाने और कंपनी का CEO बनाने के लिए 5 साल का प्रशिक्षण दें। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज अपने नए मध्यवर्गीय जिंदगी और मंटू की पुरानी ट्रैवल जॉब के सहज महसूस कर रहा था। ने कहा कि वाल्मीकि को नर्स की मदद 25 साल बाद पहले ही बच्चों को बदल देना चाहिए था, ताकि वह वाल्मीकि के घर मंटू रामचंद्र के घर पहुँच जाता, जिससे वाल्मीकि और बहुत निराश हो जाता है। कहानी वाल्मीकि को निराश होकर मंटू को अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखने के साथ समाप्त होता है। अल्लू अर्जुन, जो कि देवराज या मंटू का रोल करते हैं, अमूल्य अम्मू के रूप में पूजा हेगड़े, मंटू की प्रेमिका तब्बू, यशोदा यासू मंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ, जयराम रामचंद्र
राज मनोहर सुशांत के रूप में, निथेवा पेथुराज नंदू नंदिनी के रूप में, मुरली शर्मा वाल्मीकि के रूप में, सुमति कारानी अपाला नायडू के रूप में, शेखर बैक योस बैक्स और एचआर बंटू का सबसे अच्छा दोस्त के रूप में नवदीप, सीताराम नंदिनी के चाचा के रूप में सुनील, एचआर बंटू के दादा और राज के पालक दादा के रूप में सचिन खेड़ेकर, नंदिनी के पिता और आशु के चचेरे भाई के रूप में हर्षवर्धन, डीआईजी प्रजापति के रूप में राजेंद्र प्रसाद, अपाला नायडू के बेटे पेटी तल्ले नायडू के रूप में आदर्श बालकृष्ण, गोविंद पद सूर्या के रविंद्र रेड्डी पैक योर बैग्स की कर्मचारी, राहुल रामकृष्ण डॉक्टर श्रीनिवास रामचंद्र के डॉक्टर वेनेला किशोर, अमूल्य के पिता संयोजय तानी केला भराणी। बताया गया कि त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंद समेता वीरा राघवा की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ नई फिल्म का निर्देशन करेंगे। स्क्रिप्ट सुनने के बाद यह बताया गया कि अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह दी। शिशुओं के अदला बदली का विचार पहले वेदांत राघवा के इंदू गुट्टू में आजमाया गया था, जिसे एंटी रामा राव और सावित्री ने अभिनय किया था। 31 दिसंबर 2014 को नए साल के पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई। इस प्रकार जुलाई 2012 और एसओ सत्यमूर्ति सन ऑफ सत्यमूर्ति 2014 के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन का तीसरा सहयोग चिन्हित हुआ। आगे बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्णन और हरिका और हसीन क्रिएशन के साथ अपना स्वयं के बैनर गीता आर्ट्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे। फिल्म को अस्थाई शीर्षक AA19 के तहत लॉन्च किया गया। इससे पहले की शीर्षक अल्लाह वैकुंठपुर मलु 15 अगस्त 2014 को सामने आया। अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टर सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी। जनवरी 2014 में सुनील को फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2014 में पूजा हेगड़े और आडवाणी की जगह महिला प्रधान भूमिका में लेने की सूचना मिली। दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उसका सहयोग चिन्हित हुआ। अनुभवी अभिनेता नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उसे इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंद समेता वीरा राघवा की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। मार्च 2014 में यह बताया गया कि पांडुरंगा के बाद तेलुगु सिनेमा की उसकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी के भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन अवसर पर मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा की। मई 2019 के केतिका शर्मा ने दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना मिली। हालांकि रोमांटिक 2019 में शर्मा की प्रतिबद्धता के कारण निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। फिल्म के कलाकारों ने जयराम और सुशांत प्रमुख भूमिकाओं में हैं। काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में दिखाई देने की सूचना मिली थी, लेकिन निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। तमिल निर्देशकों और अभिनेता समूथी करानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उसे पहली तेलुगु फिल्म से चिन्हित किया। फिल्म के लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2019 के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म को लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिससे फिल्म के टीम ने एक पूरा पूजा समारोह में भाग लिया था। फिल्म के मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद
निर्माताओं ने 28 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 4 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शुरुआत की, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई। 18 जून को अल्लू अर्जुन को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में देखते हुए तस्वीर लीक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेता पेथुराज, तब्बू और सुशांत को प्रमुख भूमिकाओं में जोड़ा गया। अक्टूबर के मध्य में टीम समाज वर्गमना गीत को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई। गाने के कुछ हिस्सों को फ्रांस के नॉर्मंडी और माउंट सेंट मिशेल और पेरिस में एफिल टावर में शूट किया गया था। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर लीडो डी पेरिस में भी फिल्माया गया था। वहां शूट होने के बाद यह दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई। गाने की शूटिंग के लिए निर्माता ने 4 करोड़ तक की लागत लगाई 9 करोड़ की लागत लगाई ने टीम ने यूरोप में कुछ हिस्सों में OMG डैडी गीत की शूटिंग भी की। बाद में दिसंबर 2019 में निर्माता बुट्टा बुम्मा गीत की शूटिंग होने के लिए हैदराबाद चले गए, जिसके बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। थमन एस ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। लुक जज के साथ इसका तीसरा सहयोग रेस गुर्रम और सराय नायडू के बाद अरविंद सहिता वीरा राघवा के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग। एल्बम में 6 ट्रैक हैं, जिसमें श्रीनिवेला सीता राम शास्त्री, कसार केला स्वामी, कृष्ण चैतन्य, राम जयोगा शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं, जिसके साथ 4 ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने के बाद वायरल हो गए। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने थमन और इसके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस मैदान में आयोजित AVPR म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखा जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया। बुट्टा बुम्मा गीत जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखा जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु गीत बन गया। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा बुम्मा और रामालू दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्होंने 2020 की सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड रूम दृश्य में 6 गाने बजाए गए थे। भारत आने नैनू 2018 से वाच दयोदी सामी, नानकू प्रेमथो 2016 से फॉलो हुसारू से उंडी पोरादो, रेस गुर्रम से सिनेमा चुसपता मामा, गब्बर सिंह से पिल्ला और जगदेव रुडू अथिलोका सुंदरी से अब्बानी। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने पहली बार फिल्म की झलक का अनावरण किया। इस शीर्षक अल्लाह वैकुंठ पुर मलु को बनाया। फिल्म का पहला पोस्टर गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर 1 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन भी एक व्यावसायिक सूट से धूल भरे स्टूल पर बैठे दिखाई दे रहे थे। एक सुरक्षा गार्ड इसके सिगार को जलाता है और पृष्ठभूमि के लिए एक चमचमाती लग्जरी कार और एक विशाल इमारत है। दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार में थे। निर्माताओं ने 13 अक्टूबर 2019 को अपने जन्मदिन पर पूजा हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष पोस्टर जारी किया। फिल्म से सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब्बू का पहला लुक उसके जन्मदिन 7 नवंबर 2019 को अवसर पर जारी किया। त्रिविक्रम के जन्मदिन 7 नवंबर को निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फिल्म को मलयालम डब संस्करण और अल्लाह वैकुंठ पोरथू का पहला लुक जारी किया। फिल्म की आधिकारिक टीजर 11 दिसंबर 2019 को अनावरण किया गया। 6 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने हैदराबाद में यूसुफ गुंडा पुलिस ग्राउंड में
एवीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के रूप में एक विशाल कार्यक्रम की योजना बनाई। दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। यह आयोजन के लिए 52 फीट ऊंचा और 162 फीट चौड़ा एक मंच तैयार किया गया था, जहां निर्माताओं ने फिल्म का ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का अनावरण किया। इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली।